Thank you. हेलो एवरीबॉडी हेलो एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून सब लोगों ने आई थिंक ज्वाइन कर लिया होगा जिन लोगों ने ज्वाइन करना था ना तो स्टार्ट करें यस सर ओके okay, स्टार्ट अच्छा। करते हैं हाँ देखो तो आज का हमारा टॉपिक है एज वेबिनार के अंदर वो है ए है ना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ओके तो मैं सिर्फ आप लोगों को ए सी एल टोटली बेस और प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि ए का यूज किस तरीके से होता है कैसे काम करता है एक सर्विस है जिसका लेयर थ्री के ऊपर मतलब एज ए राउटक्रॉस के ऊपर इसको कॉन्फ़िगरेशन की जाती है ठीक है तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एस का यूज किस तरीके से हम लेते हैं और इसका मेन काम क्या होता है उस चीज को एक बार हम समझ लेते हैं थोड़ा सा एक सनेरियो बना के ठीक है फिर हम इसे प्रैक्टिकली इम्पलीमेंट करके देखेंगे जो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करेगा प्रैक्टिकल के अंदर कैसे है ना वो सब हम देखेंगे और अब देखो एशियाल देखो, एक सर्विस है जिसका यूज किया जाता है पैकेट्स को फिल्टर करने के लिए है ना अब पैकेट्स को किस तरीके से हम फिल्टर करते हैं मतलब एक स्पेसिफिक ट्रैफ़िक को आपने ब्रेक करना है नेटवर्क के ऊपर से तो उसको हम कैसे ब्रेक कर पाएंगे एटलीस्ट सबसे पहले आप लोग फर्स्ट बार नेटवर्किंग को इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हो नेटवर्किंग के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो तो सिर्फ आप लोगों को देखते रहना है ना आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि ये चीज क्या मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी आपको समझ में आया बस आप लोगों को इसे नोटिस करते रहना है वो देखते रहना है कंटिन्यू ठीक है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ए का यूज करते हैं सर्विसेज को डिनाय करने के लिए किसी स्पेसिफिक ट्राफिक को आप ब्रेक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं एसीएल के थ्रू तो ट्राफिक क्या होता है नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क के ऊपर से हम किस तरीके से ट्रैफिक को ब्रेक करेंगे वो सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं ठीक है तो हमारे पास तीन स्विच है तीन राउटर हैं ये पीसी हमारे पास ये भी एक पीसी है ये भी पीसी है ये भी पीसी है ये पीसी है ये पीसी है, है ठीक है अब वन ये राउटर है ये राउटर टू है ये राउटर थ्री है अब देखो आप लोगों को नहीं पता स्विच और राउटर पीसीज़ ये क्या है पीसी तो शायद आप लोग सभी को पता होगा लेकिन स्विच यदि और राउटर इनके बारे में आप नहीं जानते हो तो आप नेटवर्किंग क्लास में जब आते हो तो उसी उसी में आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो स्विच राउटर्स क्या होते हैं इनका क्या यूज होता है किस तरीके से काम करते हैं और मैं कौन से स्विच राउटर्स की मैं बात कर रहा हूँ मैं एक बार आप लोगों को यह भी दिखा देता हूँ मैं बात कर रहा हूं सिस्को के स्विच और राउटर्स की जो हमारे घर के अंदर जो राउटर लगा होता है उस राउटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ है ना तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्को ड्रेसिस तो तो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के उपर, के ऊपर ऊपर इन इन डिवाइसेस डिवाइसेस की मैं बात कर ठीक तो हमारा काम होता है इनके ऊपर हम आ, कुछ कॉन्फ्रिकेशन करते हैं नेटवर्क के ऊपर जो भी चीजें हमें करनी होती है वो इन्हीं के ऊपर हम करते हैं आ, तो इन डिवाइसेस के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन जब आप धीरे धीरे आप क्लासेस के अंदर सीखते हो इनके बारे में जानते हो कि कैसे यूज होता है नेटवर्क के ऊपर ये किस तरीके से वर्क करते हैं है ना तभी आप इनके बारे में जानोगे लेकिन मैं एक घंटे के अंदर जितना आपको बता सकता हूँ उतना कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को बता पाऊँ तो अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको एक ए एक सर्विस है जो नेटवर्किंग के अंदर इसको यूज में लेते हैं और सर्विसेज को डिनाय करने के लिए इसका यूज किया जाता है अभी किस तरीके से डिनाय करते हैं वो सारी चीज हम सीख लेते हैं अब देखो हमारे पास तीन राउटर्स हैं और तीन स्विच है ये ऊपर वाले राउटर्स हैं और ये तीन स्विच है और ये हमारे पास छह पीसी सी है मतलब जस्ट ए नंबर के हमारे पास इतने सारे डिवाइसेज हैं बहुत सारे भी हो सकते हैं हम सिर्फ एज ए समझने के लिए इतना ही इतने ही डिवाइसेज को यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं तो अब देखो ए का यहाँ पे यूज क्या होगा ए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है इसका यूज होता है ओनली फॉर पैकेट्स को फिल्टर करने के लिए स्पेसिफिक ट्रैफिक को ब्रेक करने के लिए एक नेटवर्क से अनुदा नेटवर्क के ऊपर आप जा रहे हो तो उसको ब्रेक करने के लिए ठीक है अब मान लेते हैं ये जो पीसी हमारा है पीसी जो हमारा है ये है, मान लेते हैं ये यहाँ पे थर्टी का नेटवर्क चला हुआ है तो ऐसे नेटवर्क यहाँ पे चले हुए हैं तो ये पीसी हमारे दोनों थर्टी के नेटवर्क के हैं ये दोनों ट्वेंटी के नेटवर्क के हैं दोनों टेन के नेटवर्क के हैं फोर्टी का नेटवर्क चला हुआ है फिफ्टी का नेटवर्क चला हुआ है आर्टिस्ट आप लोगों को ये नहीं पता है कि थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये नेटवर्क क्या होता है मतलब नेटवर्क क्या होता है किस तरीके से डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए जाते हैं नेटवर्क कैसे असाइन किए जाते हैं तो वो सारी चीजें पहले आपको सीखने की जरूरत होती है ठीक है तो ये देखो अब मेरे पास इन डिवाइसेस के ऊपर आपको पता है कि नेटवर्क के ऊपर जब भी कनेक्टिविटी होती है तो आईपी एड्रेस का सबसे पहले आ, रोल होता है कि डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस होना जरूरी है तो ऐसे ही सबसे पहले इन सभी डिवाइसेस के ऊपर आई पी मान लो हमने कॉन्फ्यूगर कर रखे अब हम करने वाले क्या है कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये जस्ट इफ हमारे पास दो लोग हैं ये सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है ठीक है ये जो बंदा है ये जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ फ्रेशर है मतलब इसको किसी भी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कोई नॉलेज नहीं है ये फ्रेशर बंदा है ठीक है तो हम चाहते हैं ये जो फ्रेशर बंदा है हमारे नेटवर्क के अंदर हमारी कंपनी का पूरा नेटवर्क है ये जो भी फैला हुआ है ठीक है तो हम चाहते हैं कि ये फ्रेशर बंदा ओनली फॉर नेटवर्क के अंदर यहाँ तक कनेक्टिविटी बना पाए यहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहता है यहाँ पे ना बना पाए ओके अब इसी के सेम नेटवर्क का डिवाइस इसी के सेम नेटवर्क का डिवाइस जो ये है ये पर्सन ये मान लो वन ईयर का एक्सपीरियंस है ये वन ईयर का एक्सपीरियंस है इस पर्सन को तो हम ये चाहते हैं कि ये पर्सन नेटवर्क के अंदर हर जगह कनेक्टिविटी बना पाए मान लो यहाँ पे बना सके यहाँ पे बना सके यहाँ पे बना सके यहाँ पे बना सके नेटवर्क के अंदर ओवरऑल हर जगह पे भी कनेक्शन बनाना चाहे वहां पे बना सके ठीक है तो ये कनेक्शन किस तरीके से बनाएगा मान लो अब स्पेसिफिक देखो जैसे कि मैंने हमारे पास एक मान लेते हैं कि हमारे ऑफिस के अंदर एक गार्ड सब हमने गेट के ऊपर खड़े कर रखे हैं ठीक है तो हमारे पास दो बंदे हैं ठीक है दोनों ही सेम ऑफिस के हेलो हाँ जी बोलिए ये अभी डिफरेंट वीलन में है या सेम वीलन में है देखो वीलन का पार्ट नहीं है इसके अंदर स्विच के ऊपर बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे वीलन वन पे होते हैं अच्छा हाँ, हम हम ओनली फॉर एसीएल कर रहे हैं एसीएल के अंदर ओनली फॉर स्पेसिफिक हमारे सेम नेटवर्क का डिवाइस है ये हाँ है ना थर्टी uh, के नेटवर्क का डिवाइस है ये भी थर्टी के नेटवर्क का डिवाइस है अब ये देखो ये ये यहाँ तक कनेक्शन बना पाएगा ये वाला जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है सर हमने माना है समझने के लिए डिपेंड ऑन सिचुएशन कुछ भी सिचुएशन हो सकती है लेकिन हमने सिर्फ माना है कि ये भाई फ्रेशर बंदा है इसको हम कनेक्शन देना चाहते हैं यहाँ तक कनेक्शन बना पाए यहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहते हैं यहाँ पे ना बना पाए जिसको एक्सपीरियंस है वन ईयर का वो यहाँ पे भी कनेक्शन बना पाए और यहाँ पे कनेक्शन बना पाए मतलब नेटवर्क के अंदर हर जगह कनेक्शन बना पाए ठीक है है, जो टूल मैं कर रहा हूं, Tracer, जिसका यूज किया जाता है प्रैक्टिकल्स करने के लिए आप लोगों को जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये देखा है इसका इंटरफेस जो आपके सामने स्क्रीन ओपन हुई है उन लोगों को पहले फर्स्ट ऑफ तो ऑल जब आप शुरुआत से क्लास लेते हो तभी आपको समझ में आएगा इस इस टूल का यूज करते हैं, प्रैक्टिकल्स करने के लिए हो, हाँ कलर होगा तो एग्जैक्ट सारी चीजें हम एज ए नक्शे के अंदर बना के यूज कर सकते हैं ना, बना के देख सकते हैं तो ऐसे ही सिस्को पैकेट रेसर्ट के अंदर कि आप कोई नेटवर्क के अंदर कोई भी नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो या कोई नई टेपोलॉजी टोपोलॉजी बनाना चाहते हो नया स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो या जो भी चीज आप करना चाहते हो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क को नेटवर्क के ऊपर तो उसके पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन करके देख सकते हो उसका यहाँ पे सोल्व आ जाता है देन आप रियल में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो एग्जैक्ट जो चीज आपको एज ए रियल सिनेरियोस के अंदर मिलती है वो ही एग्जैक्ट चीजें सारी की सारी आप यहाँ पे करके देख सकते हो पहले ठीक है गाइज हेलो ठीक है ना आप लोग हेलो जब सर हम मतलब जैसे कि अभी हम ए के थ्रू मतलब हम करके लोगों को डिवाइड कर कर रहे हैं कि वो इससे बात कम्युनिकेट ना करेंट न करेंस भी तो पॉसिबल है मतलब हाँ, अलग कर हम अगर तो वो कम्युनिकेट करेगा ही नहीं बिल्कुल राइट बात है आपकी विलन से कम्युनिकेट नहीं करेगा लेकिन विलेन का यूज लेयर टू के ऊपर किया जाता है स्विचेज के ऊपर किया जाता है अच्छा तो यहाँ स्विचे राउटर से कनेक्शन तो यहाँ वर्क नहीं करेगा बिल्कुल नहीं करेगा अच्छा तो सर स्वीप चीज तो हर जगह राउटर देखो अभी आपको वीलेन का पार्ट पता है थोड़ा वो ना? तो आप इसलिए उसका भी यूज होता है उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ की बात कर रहा हूँ है ना ऐसा नहीं कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं बताना नहीं चाहता ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो पार्ट मैं कवर करने जा रहा हूँ उसी चीज को मैं कवर करूंगा ठीक है कि आप समझ सकते हो एक वेबिनार है एक घंटे का जो मेरे को देना है है ना भी बहुत अच्छा पार्ट है लेकिन उसके अंदर कुछ वो अलग चीज है एसीएल अलग चीज है एसीएल का यूज किया जाता है पैकेट्स को फिल्टर करने के लिए वीलन का आप यूज करते हो सेम नेटवर्क के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को आप ब्रेक करना चाहते हो आपके डिवाइसेज सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है आप उनके बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक करना चाहते हो तो आप तब वहां पर आप वीलन का यूज करते हो ठीक है जैसे मान लेते हैं भाई हमारे पास एक क्लास है, एक क्लास के है, के अंदर बहुत कर पाए हम चाहते हैं तो उनके बीच में हम कनेक्टिविटी ब्रेक करना चाहते हैं कुछ ऐसा सिस्टम हम कर दें कि लड़के लड़कों से बात ना कर पाए और लड़के लड़कियों से ना कर पाए ठीक तो है तो वहां पे हम विलन का यूज करते हैं ओके तो भाई सेम नेटवर्क के ऊपर है सारे के सारे सेम क्लास के अंदर है तो हम

और फाइव सारे के सारे सेम नेटवर्क के ऊपर है तो हम चाहते हैं कि ये डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट करें कौन कौन से डिवाइसेज करें ये मान लेते हैं डीएम टीम का डिवाइस है मतलब डिजिटल मार्केटिंग का टीम आ, टीम का डिवाइस है ये भी डीएम टीम का और ये भी डीएम टीम का है और ये, ये आई का है और ये भी आईटी का है और ये भी आईटी का है तो हम चाहते हैं कि आईटी का पर्सन आईटी के साथ कम्युनिकेट करे और डीएम का डीएम के साथ कम्युनिकेट करे लेकिन सारे के सारे क्या है सेम नेटवर्क के ऊपर है ठीक है तो आप तब आपने यहाँ पे वीलन की जरूरत पड़ेगी कि आप दो डिफरेंट वीलन को आप ब्रेक कर मतलब इनके बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक करना चाहते हो है ना दोनों टीमों को आप चाहते हो डीएम डीएम टीम्स ओनली ओनली फॉर फॉर के 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 साथ ही के साथ ही ही कनेक्शन कनेक्शन बनाए बनाए और आईटी आईटी तो तो पे पे आप VLAN का यूज़ करते हो हो कि कि आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक जाए कि सेम नेटवर्क ऊपर ऊपर सारे के सारे डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट होते हैं स्विच तो <coughs> है? okay, yes, है तो है, तो क्या ये आप प्रॉपर तो तो हाँ, आप आप इन चीजों को सीखोगे जैसे मैं आपको ये भी चीज करके बता रहा हूँ पैकेट रेसर के ऊपर तो ये चीज आपको फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो आपके लिए आप लोगों के लिए देखना बड़ा मुश्किल होगा कि यार ये क्या चल रहा है ना बड़ा अजीब सा लगेगा

डे वन से क्लास आपकी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगी भाई जहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ओके सर सर राउटर सर राउटर उन्तीस ग्यारह का लिया है आपने हाँ राउटर उन्तीस कोई सा भी ले सकते हैं है हाँ ना ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि हम उनतीस ग्यारह का क्यों ले रहे हैं ठीक है यस सर हाँ लेकिन सभी डिवाइसेस के अंदर कुछ थोड़ा थोड़ा फीचर्स का अलग फीचर्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं कुछ अलग होती हैं, जितने सीरीज़ का डिवाइस होता है, उसकी प्रोसेसिंग पावर और थोड़ा कुछ और फर्क डिफरेंस होता है बस ठीक है जैसे हमने आईफोन इलेवन लिया ट्वेल्व लिया थर्टीन लिया फोर्टीन लिया तो कुछ डिफरेंस होता है ऐसे ही डिवाइसिस के अंदर डिफरेंस होता है लेकिन चीजें वैसे ही वर्क करती हैं ठीक है yes, ये जिस जैसे मैं टोपोलॉजी बनाने जा रहा हूँ आप लोगों ने इससे पहले कभी यूज नहीं किया तो ये टोपोलॉजी बनाने में थोड़ा सीखने में आपको टाइम लगेगा कि मैं कैसे बना पा रहा हूँ ये है हाँ ना और एक और कौन, कौन से डिवाइस मैंने यूज किए हैं ये सारे के सारे सिस्को के डिवाइसेज हैं और एक सिनेरियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस सिनेरियो के थ्रू मैं आपको बीच में कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा ठीक है अभी के लिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इन डिवाइस के बीच मेरे पास छह सिक्स पीसीज है और सबसे पहले इनके बीच में मेरे को कनेक्टिविटी बनानी होगी ठीक है अब कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा अब देखो मैं इनके बीच में कनेक्टिविटी बनाने जा रहा हूं तो सबसे पहले मेरे को आईपी एड्रेसेस डालने पड़ेंगे मैं कौन कौन से आई पी एड्रस यहाँ पे तो अब अभी अभी देखो आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं किस लिए यूज में है प्राइवेट आई पीज क्या है स्टेटिक आई कौन से होते हैं डायनेमिक कौन से कौन कौन सी रेंज में होते हैं कौन कौन से वर्जन के अंदर होते हैं ना पीज की रेंज क्या होती है ये सब सारी चीजें आईपी एड्रेसिंग का भी बहुत अच्छा पार्ट है बहुत बड़ा पार्ट है ठीक है जो जिसको आप क्लास के अंदर आओ तभी आप इसको प्रॉपर तरीके से डिटेल में सीखोगे जैसे हमारे सिस्टम्स को जब भी

ओके गाइस ओके सर ओके गाइस तो अब हम स्ट... अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आई पैड से जा रहा हूं है ना तो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ आईपी एड्रेस जैसे मैंने दिया टेन डॉट वन और टेन डॉट यहाँ पे मैं टेन डॉट टू दे देता हूँ और यहाँ पे .0 .0 अब देखो पे राउटर्स का रोल क्या, है? राउटर, क्या काम करेगा? ठीक है राउटर किस तरीके से वर्क करता है राउटर का ही यूज क्यों कर रहे हैं ये बहुत सारे सवाल होते हैं जब फर्स्ट बार हम कोई भी चीज करने जाते हैं ये चीज हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ना इसका यूज करने से क्या होने वाला है तो वो सारी की सारी चीजें है ना नेटवर्क के अंदर हम पैकेट को क्यों ब्रेक करेंगे है ना तो काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के होंगे ओके गाइस तो वो सारी सारी चीजें okay, तो आप क्लास के अंदर आओगे तभी इन चीजों को कवर कर पाओगे वेबिनार के अंदर ये सारी चीजें कवर नहीं होगी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप नेटवर्क के अंदर आप आते हो तो ये सि... सारी चीजें इसके अंदर चलती हैं जिसको आप रिलेट कर पाओ कि हाँ नेटवर्किंग के अंदर ये सारी चीजें होती हैं डिवाइसेस के बीच में कुछ इस तरीके से कनेक्शन बनता है कुछ सर्विसेज काम करती हैं जिनका यूज किया जाता है जैसे आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज सर्च करने जाते हो जैसे हमने लिखा व्हाट इज नेटवर्किंग तो आपके सामने पेज ओपन हो जाता है गूगल आपके सामने पेज ओपन कर देता है तो गूगल के ऊपर ये पेज ओपन कैसे हुआ भाई हमें पता है कि कुछ एल्गोरिथम चला हुआ होगा है ना लेकिन हम एज हम टेक्नीशियन हम एक टेक्निकल पर्सन है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज किस तरीके से काम कर रही है वहाँ पे लिखा हुआ है लोग एक ही चीज को सर्च कर रहे हैं उन सभी के सामने वही एग्जैक्ट चीज ओपन हो जाती है तो हमें तो सिर्फ यही पता है भाई गूगल के ऊपर जो भी चीज हम सर्च करने जाते हैं वो ऑलरेडी गूगल के ऊपर होता है और हम सर्च करते हैं तो सर्च हो जाता है गूगल का काम ही है सर्च करना ऐसा गूगल का काम है गूगल एक सर्च इंजन है ये हमने मान लिया लेकिन गूगल किस तरीके से वर्क कर रहा है, है ना ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है मान लो एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन के ऊपर आप कॉल करने जा रहे हो तो कॉल कैसे लग पा रहा है मेरा है ना इंटरनली प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन के ऊपर मैंने कॉल किया तो सामने वाले का सामने वाले का मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास था तब मैंने कॉल कर लिया ये इंटरनली प्रोसेस कैसे काम करता है कि किस तरीके से हमारा कनेक्शन बनता है है ना क्या क्या एल्गोरिथम्स रखते हैं जिनके थ्रू हमारा कनेक्शन बनता है ठीक है कौन-कौन सी सर्विसेज बैकएंड के अंदर चलती हैं जैसे हमारा कनेक्शन बन जाता है ओके okay, गाइस तो ये सब चीजें आप नेटवर्किंग के अंदर सीखते हो कि नेटवर्क के ऊपर आप विजिट करने जा रहे हो जैसे एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के ऊपर आप कोई डेटा शेयर कर रहे हो तो डेटा शेयर करने से पहले आप जैसे मान लो किसी भी तरीके से आपने डेटा शेयर किया तो इंटरनली क्या प्रोसेस हुआ कि जिसके थ्रू आपका डेटा शेयर हो गया मान जो भी केबल आपने यूज कर रखी है इंटरनेट के ऊपर किस तरीके से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सारी चीजें आप नेटवर्किंग अंदर सीखते हो कि नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है एटलीस्ट नेटवर्क कहाँ से बन के आता है कि नेटवर्क का मतलब जियो की सर्विस मान लो मैं यूज करता हूँ तो जैसे जियो से मैं दो जीव इंटरनेट सर्विस लेता हूं तो जियो कहाँ से लेके आता है इंटरनेट जियो के पास ऐसी क्या चीज है कि वो जिससे इंटरनेट बना देता है ना कि दो जी इंटरनेट बना रखा था फिर मतलब ऐसा कौन सा एल्गोरिथम कौन सी कौन सी सर्विसेज कैसे काम करती हैं उन सारी चीजों को आप नेटवर्किंग अंदर सीखते हो कि नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है ओके हेलो एवरीबॉडी आप लोग को समझ yes, में तो sir. आ रहा है ना yes, मैं, मैं बोल रहा yes, yes, देखो yes. आप लोग फर्स्ट बार इस चीज को देख रहे हो तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा जो प्रैक्टिकल पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा ऐसा नहीं कि मुश्किल आप लोग करी नहीं बहुत इजी चीज है या, ये देखो वेबिनार के अंदर मैं कोई बहुत बड़ी चीज तो बता नहीं रहूंगा आप लोगों को है ना मेरे को पता है कि मैं बीच में कोई ऐसी चीज उठा लू कि आपको समझ में ना आए तो आप लोग वैसे छोड़ के चले जाओगे पता नहीं क्या चल रहा है ना तो बहुत बेसिक चीज है लेकिन ये बेसिक चीज भी आप क्लास के अंदर जब स्टार्ट करते हो उसी के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आएंगे डिटेल्स में तभी आप इन चीजों को कवर करो हो गए तो अभी के लिए सिर्फ मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फिगर करने जा रहा हूँ का गन सर यहाँ पे हाँ यहाँ पे फोर्टी डॉट जीरो हाँ जो लोग जानते हैं उनके लिए बताना थोड़ा आसान होगा कि यहाँ पे 40.50 है ना तो लेकिन जिनको नहीं पता नो तो कोई बात नहीं है ना सब धीरे धीरे क्लास के अंदर सीखते हैं आप देखो मैं इनके कॉन्फिगर करने, तो करने आईपीएड कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं किस तरीके से हम आईपीएड का यूज कर रहे हैं फिर इन डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पहले सीखते हैं ठीक है yes, तो अब देखो यू लाइक टू एंटर द इनिशियल डायलॉग तो यहाँ पे यस yes या नो no हमसे पूछता है क्यों पूछ रहा है ना? क्या रीजन है इसका क्या पार्ट है ये है ना ये जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ है ये राउटर का ओपन होता है है कमांड लाइन इंटरफेस ना और इसे बोलते हैं राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जिसे आईओएस बोलते हैं इंटरनेट इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सिस्टम जो होते हैं जैसे मान ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल फोन का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड आईओ एस ऐसे ही विंडोज जैसे पीसी का विंडोज काली नाइन एक्सन है ना बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो ऐसे ही हमारे डिवाइस का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है

ओके okay. तो यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए ये जिन लोगों को नहीं पता है कि नो का सिलेक्शन क्यों किया ये कौन सा मोड ओपन हो गया है ना डोंट वरी कोई बात नहीं किसी को आ, किसी को भी कुछ नहीं पता है धीरे-धीरे -देर आप क्लास के अंदर आते हो तभी आप इन सारी चीजों को डिटेल में सीखोगे इनेबल मैंने किया है कॉन्फ़िगरेशन ओके

एंटर इंटरफेसिस क्या होता है इंटरफेसिस किस तरीके से वर्क करते हैं ये सारी चीज आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए ऑलरेडी पता होने का मतलब ये नहीं कि आपने किया था आपको पता होना चाहिए था ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जब आप क्लास के अंदर सीखते हो तो सारी चीजें धीरे धीरे आप सीख जाते हो कि इंटरफेसेस क्या होते हैं कहाँ पे होते हैं किस लिए इनका काम होता है क्यों इनके पर आईवेटेज डाल रहे हैं वो सारी चीजें okay, पे मैं कॉन्फिगर कर देता हूँ थोड़ा फास्ट वास क्योंकि अब ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है पब्लिक है प्राइवेट है ये सारी चीजें पढ़ने की होती है ना जैसे मैंने टू फाइव फाइव डॉट जीरो डाला तो क्यों डाला कोई भी कमांड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इस कमांड का मतलब क्या है जिससे नोट शट डाउन कमांड मैंने यहाँ चलाया इस कमांड को मैं यूज क्यू कर रहा हूँ

Enable configuration interface gigabit 0 slash 0 IP address 10.2 space to Europe, Then no shutdown exit interface gigabit 0 slash. ट डाउन ओके देन यहां पे एंटरफेसा बेट जीरो आईपी एड्रेस है ना कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है नेटवर्किंग के अंदर जो आप देख रहे हो की जगह तीनों तीनों में नहीं ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन वही ना कि मैं यहाँ पे जो चीज अब मैं खुद से सेलेक्ट कर रहा हूँ ना ये कुछ लोगों को पता है कि क्यों ले रहे हैं टू फाइव फाइव और कुछ लोगों को नहीं पता तो वो आईपी एड्रेसिंग का जब पार्ट आता है इसके यहाँ पे, पे, तो 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 पे हमने ये वाली ये वाला लिया है तो सारी चीजों का मतलब है कोई भी चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं तो हर एक स्टेप का मतलब है लेकिन वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी जैसे मैंने सिर्फ बताया ना कि आईपी एड्रेस हम जो भी डालने जा रहे हैं तो

हाँ तो एक क्लास ए का होता है ठीक है यस नो शट डाउन तो शायद मैंने नेटवर्किंग अब से ही पढ़ी है मुझे याद नहीं यार आपका नाम सर क्या है ना मेरा नाम दीपक यादव है आपका नाम क्या है सर कीर्तन पाटीदार सर अब सही पढ़ी है नेट कीर्तन पाटीदार कीर्तन यस yes, सर कीर्तन कौन से बैच में आते थे आप सर ऐसा अपना ग्रुप भी बना मैं आपको याद दिलवाता हूँ टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है नहीं नहीं आ, आप आ, आ, आपकी क्लास के लड़कों का और का नाम बताओ हम बताता हूँ सर बताता नेटवर्किंग पेज इस पर क्या दो वरुण दरबार ओके 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 जान गया जान गया सुबह मॉर्निंग वाला बैच यस सर टेन टू ओ टेन टू वन यस ओके डाउन no, एक्सिट ठीक है तो यहाँ पे मैंने टोटली totally यहाँ पे क्या कर दिया है तो कनेक्टिविटी यहाँ पे मैं बना देता हूँ और आईपी पेड्रसेज भी यहाँ पे कर देता हूँ पीसी के भी हमने डालने पड़ेंगे यहाँ पे थर्टी डॉट टू है ना और देन डिफोल्ट गेटवे मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा गेटवे क्या होता है यूज क्यों करते हैं सारी सारी चीज आप क्लास के अंदर जब आते हो तभी सारी चीजों को सीख पाते हो ठीक है थर्टी डॉट वन और टेक्सट अगेन इन पीसीज़ के ऊपर भी डाल देता हूँ फोर्टी डॉट टू और इन पीसीस के ऊपर मैं आईपेटाज असाइन कर देता हूं 50.2 और यहां पे 50. डॉट सभी डिवाइसिस के ऊपर मैंने आईपेटेसिस कॉन्फिगर कर दिया अब सबसे पहले इन डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए देखो एक नेटवर्क से हम दूसरे नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होने जाते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि नेटवर्क्स क्या होते हैं ना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर हम किस तरीके से कनेक्ट होंगे है ना तो एज ए डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन जैसे हम मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल फोन ऊपर इंटरनेट सर्विस हमें मिल रही है लेकिन हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्शन किस तरीके से बना हुआ है ना कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है ये कोई ऑटोमेटिक नहीं है कि अपने आप ये कनेक्शन बन गया तो सबसे पहले इनके बीच में कनेक्शन बिल्ड होता है तो कनेक्शन

पिंग करता हूँ किसके ऊपर या के के इन ऊपर पिंग करके देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा ठीक है तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ तो कनेक्शन बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस और करना पड़ेगा और मैं पिंग पिंग क्या है पिंग एक कमांड है जिसका यूज करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए फिफ्टी डॉट थ्री एंटर मैंने किया तो आप देख सकते हो फिफ्टी डॉट थ्री मतलब इस डिवाइस से मैं कहां पे कनेक्शन चेक कर रहा हूँ यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो क्या दिखा रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मतलब इसकी रीच में ही नहीं है अभी हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा है यहाँ पे ठीक है तो अब हमने यहाँ पे इनके बीच में कनेक्शन बनाना है तो यहाँ पे मैं राउटर ई आई जी आर पी हंड्रेड देटवर्क जीरो डॉट जीरो जीरो एंटर एक्सिट ओके और फिर अगेन मैंने राउटर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे लिखा राउटर ए आई जी आर पी हंड्रेड नेटवर्क जीरो 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 एंटर एक्सिट 100, जियो डोड़ जियो डोड़ जियो। अब हमारा पे कनेक्शन बन चुका है आप देख सकते हो जैसे मैं चेक करता हूँ आखिर फिफ्टी डॉट थ्री के ऊपर पिंग नहीं हो रहा था ना अगेन मैंने पिंग किया तो आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन गया है अभी धीरे धीरे वेरीफाई हो रहा है फर्स्ट टाइम हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट है अभी भी कोई भी चीज यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो हर एक चीज का मतलब है कि भाई पे फर्स्ट टाइम हमने पिंग किया तो ये क्यों आ रहा था रिक्वेस्ट टाइम आउट तो, सब सारी चीजों को हम धीरे धीरे सीखेंगे ठीक है और अगेन मैंने पिंग किया हमारा कनेक्शन आ गया तो अब इतना हमारा कनेक्शन बन चुका है मतलब इन सभी डिवाइसेस के बीच में हमारा कनेक्शन बन चुका है अब यहाँ पे मेन पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है एसीएल का हम क्या चाहते हैं कि ये जो पर्सन हमारा फ्रेशर है ठीक है और ये हमारा एक्सपीरियंस होल्डर है तो फ्रेशर बंदे को ये चाहते हैं कि ओनली फॉर ये यहाँ तक कनेक्शन बना पाए ओके

स्टैंडर्ड एशियल का यूज करूंगा स्टैंडर्ड एशियल क्या है ओनली फॉर इसका पार्ट है मतलब इसके टाइप है स्टैंडर्ड और एक्सटैंडर्ड तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एशियल डेस्टिनेशन के नियरेस्ट होस्ट पे हम कॉन्फिगर करते हैं है ना मतलब ये वाले डिवाइस इनके लिए डेस्टिनेशन कौन होगा इस डिवाइस के लिए डेस्टिनेशन कौन होगा ये वाले डिवाइसेस तो इसके नियरस्ट इन डिवाइसेस के नियरस्ट होस्ट मतलब लेयर थ्री राउटर्स मतलब लेयर थ्री डिवाइस मतलब ये राउटर होगा लेयर थ्री अब लेयर थ्री क्या होता है है ना ये भी आप लोग को पता होना चाहिए है ना वो सारी की सारी चीजें मैंने बताया बहुत सारी चीजें हैं जो पार्ट हम कर रहे हैं उससे पहले हमें पता होने चाहिए ओके गाइस तो यहां पे अब मैं एक्सेस लिस्ट चलाऊंगा एक्सेस लिस्ट और इसके बाद वन मतलब यहाँ पे कोई होगी हो अब यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो ये स्टैंडर्ड ए सी हो जाएगा इसके बीच में एक नंबर सेलेक्ट करते हैं तो एक्सटेंडेड हो जाएगा ए? दोनों ही सेल्स के अंदर डिफरेंस है क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं धीरे धीरे आपको जब क्लासेस के अंदर आप आते हो तब इन सारी चीजों के अंदर आप सीखोगे ठीक है गाइस हाँ जी भैया बोलो सर स्टैंडर्ड मतलब ये होता है ना सर हमें चूज करना पड़ता है कौन सा नेटवर्क को सर अलाउ करना है कौन से नेटवर्क को नॉट अलाउ करना है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो सर फिर स्टैंडर्ड क्यों चूज कर सर हमें तो जैसे फर्स्ट थर्टी के नेटवर्क को सर जैसे दो पीसी सी है उसको एक्सटेंडर्ड में करना है ना तो उसको एक्सटेंडर्ड में स्टैंडर्ड में थोड़ी ना देखो एक्सटेंडर्ड नहीं कर रहे हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं

तो अभी सर्विसेज क्या होती है एटलीस्ट जैसे जो वो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए होंगे सर्विसेज क्या है किन सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं ये पार्ट क्या है? स्टार्ट हो गया है ना तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आप लोगों को इस चीज को लेके इस चीज के, के रिगार्डिंग तो नॉट है ना तो ज्वाइंट वरी कोई बात नहीं सिर्फ आप लोगों को देखते रहना है जो भी चीज हो रहा है जो भी चीज चल रहा है बस आप लोगों ने रिलेट करना है कि हाँ भाई ये कुछ ऐसा चीज होता है नेटवर्किंग के अंदर है ना ऐसा नहीं कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम देखते हो तो जैसे किताबी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं वो चीज में आपको नहीं करवा रहा कि हाँ भाई वट इज नेटवर्क नेटवर्क होता है भाई एक से ज्यादा दो डिवाइस हो गए वो नेटवर्क हो गया नेटवर्किंग एक दूसरे सिस्टम से बात कर मतलब एक कहानी से मैं आपको बता बता के चला जाऊंगा आपको भी अच्छा लगेगा मेरे को भी अच्छा लगेगा ठीक है लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि मैं आपको एक थियोरिकल पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करके चला जाऊँ चलो वाह बहुत अच्छा बताया है ना कुछ दो चार एग्जाम्पल अच्छे लेके बता जाऊं तो वो चीज नहीं है टोटली टेक्नोलॉजी टोटली बेस्ड प्रैक्टिकल सारी सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है ऐसा नहीं कि भाई आप एक गाड़ी बनाना सीख रहे हो तो आपने उसका थ्योरेटिकल पार्ट बना लिया हाँ भाई मैं हेलीकॉप्टर बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा उसके अंदर ये पंखा लगा दूंगा यहाँ पे कूलर सेट कर दूंगा यहाँ पे ये कर दूंगा ए सी लगा दूंगा वो चीज नहीं है आपको उसको प्रैक्टिकली चीज करके दिखाओगे तब भी बना जाएगा हाँ भाई आपने हेलीकॉप्टर बना दिया थ्योरेटिकल पार्ट से कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा ठीक है तो टेक्नोलॉजी टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल ओके गाइस तो अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे डेस्टिनेशन के नियरस्ट होस्ट के ऊपर हम एसीएल को कॉन्फ़िगर करने जा रहे थे एकस, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लिखा है है यहाँ पे मान लो एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक्सेस लिस्ट की हंड्रेड ठीक है हंड्रेड मैंने सेलेक्ट कर लिया देन इसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया डिनाई किया मैंने अब मैं एक्सेस लिस्ट टेन और इसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हम क्या चीज करने वाले हैं हम डिनाई करने वाले हैं किसको डिनाई करना चाहते हैं हम भाई फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया एक होस्ट है जिसको हम डिनाई करना चाहते हैं कौन सा होस्ट है उसका एड्रेस भाई ये जो होस्ट है इसका ही तो एड्रेस है मतलब ये इस होस्ट को हम डिनाई करना चाहते हैं इस को हम करना चाहते है कि ये यह यहाँ पे कनेक्ट ना करे है ना यहाँ पे कनेक्शन ना बनाए तो इसका एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे तो होस्ट तो यहाँ पे होस्ट डाल देंगे हम होस्ट्रेस थर्टी डॉट टू थर्टी डॉट

इस डिवाइस को तो हमने डिनाई कर दिया इसके अलावा और भी तो डिवाइस बच, बचे होंगे मतलब एक दो तीन चार पांच मतलब जितने भी हो सकते हैं है ना इसके अलावा उस सारे के सारे डिवाइसेस को हम परमिशन देना चाहते हैं ना ओनली फॉर को हम ब्रेक करना चाहते हैं उसको हम बता चुके हैं ओके पे परमिट एनी एनी परमिट एनी ओके गाइस तो यहाँ पे एक्सेस लिस्ट हमने परमिट चलाया परमिट एनी एनी तो हम बता चुके हैं कि भाई इस डिवाइस के अलावा ओनली फोर थर्टी डो टू के अलावा बाकी के जितने भी डिवाइसेज यहाँ पे है तो सारे के सारे कनेक्शन बना पाए है हाँ ना तो ये चीज हम कर चुके हैं तो अब यहाँ पे परमिट परमिशन भी हम दे चुके हैं लेकिन अब यहाँ पे बताना पड़ेगा इस राउटर को कि भाई पैकेट आएगा तो कहाँ से आएगा किस साइड से आएगा मान लो कनेक्शन बनाने आएगा मान लो हमने बता चुके हैं गार्ड साहब को कि ये बंद हमारे पास दो बंदे हैं ठीक है एक बंदे को परमिशन देनी है दोनों ही बंदे क्या है है ना भाई एक मतलब हमारे ऑफिस के ही है लेकिन एक बंदा उनमें से फ्रेशर है और एक एक्सपीरियंस होल्डर है ठीक है तो एक बंदे को हमने गार्ड साहब को हमने कह दिया कि फ्लोर नंबर वन के ऊपर ही रहना चाहिए और जो दूसरा बंदा है वो कहीं पे भी पूरी पूरे ऑफिस के अंदर कहीं पे घूम सकता है ठीक है तो उसके लिए हमने परमिशन लगा दी ओके और वो गार्ड साहब को यहाँ पे हमने बता दिया जो यहाँ पे बैठे हुए हैं मतलब सर्विस हमने यहाँ पे इनेबल की है तो हमने बता दिया कि वो आएगा ना तो इसी साइड से आएगा पाएगा तो इसी साइड से आएगा ओके दोनों ही बंदे आएंगे तो इसी साइड से आएंगे मतलब ये वाला बंदा ये तो जा सकता है है ना लेकिन इसको हमने ये वाला जो डिवाइस था ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, इस बंदे को यहां पे ब्रेक कर देना है ओनली फॉर इसका कनेक्शन यहाँ पे रहे ओके तो यहाँ पे ये चीज भी हम बताने वाले हैं तो इंटरफेस के ऊपर जाएंगे इंटरफेस गीघावेट जीरो जी जीरो और आई एक्सेस ग्रुप यहाँ पे चलाएंगे और एस एल नंबर जो हमने यूज किया था और इसको इनबाउंड पैकेट के लिए क्या कर देंगे इन एंटर एक्सेट और अब यहाँ पे इंटरफेस है Enter, और एकसे. अब देखो हम यहाँ पे इसके ऊपर बता चुके हैं. अब देख सकते हो आप पहले ये ये वाला जो डिवाइस था ये कहाँ पे फिफ्टी डॉट थ्री के ऊपर कनेक्शन बना रहा था लेकिन अब मैं पिंग करने जा रहा हूँ फिफ्टी डॉट थ्री के ऊपर मतलब फिफ्टी के नेट नहीं कर रहा कनेक्शन क्या दिखा रहा है डेस्टिनेशनिबल है ना और इसी के सेम नेटवर्क का डिवाइस इसको मैं पिंग करने जाता हूँ फिफ्टी के नेटवर्क के ऊपर तो आप देख सकते हो ये कनेक्शन बनाएगा तो ये कनेक्शन बना रहा है yes, बना रहा है ना लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हमने हटा के रख दिया आप इस डिवाइस को कनेक्टिविटी यहाँ पे बनाओगे फोर्टी के नेटवर्क के ऊपर तो यहाँ पे कनेक्ट करेगा आप देख सकते हो फोर्टी के नेटवर्क के ऊपर मैं कनेक्शन बनाया जा रहा हूँ तो यहाँ पे कनेक्शन बनाएगा बना, बना रहा है फोर्टी के के ऊपर कनेक्शन फोर्टी के नेटवर्क के ऊपर कनेक्शन बनाएगा लेकिन फिफ्टी के नेटवर्क के ऊपर कनेक्शन नहीं बना पाएगा तो एसेल के थ्रू हमने क्या किया कि इस डिवाइस को हमने परमिशन दे दी ओनली फॉर इसके पैकेट्स को फिल्टर कर दिया ये यह यहाँ पे ही कनेक्शन बना सकता है है ना और इसी के सेम नेटवर्क का डिवाइस ये यह यहाँ पे यह ओवरऑल पूरे नेटवर्क के, के अंदर कनेक्शन बना सकता है ठीक है यस सर ठीक है गाइस यस सर समझ में आया देखो yes, नहीं sir. समझ में आया कोई yes, बहुत बड़ी बात नहीं है फर्स्ट बार में किसी को समझ में नहीं आता ये इंटरफेस भी जो आपने देखा जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है तो उनको तो डेफिनेटली समझ में नहीं आया होगा है ना कि ये क्या चीज चल के रही है लेकिन जो लोग इसको यूज कर चुके हैं एटलीस्ट वो समझ सकते हैं सही बात yes, ओके Yes. तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा अरे बहुत ही चीज चीज है कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है बहुत ही चीज है हाँ ना तो लेकिन हम फर्स्ट बार यूज yes. करते हैं किसी भी चीज को यूज़ करते हैं तो हमारे को मुश्किल ही लगता है लेकिन जब आप उसको कंटिन्यू यूज करते हो तो आसान yes. हो जाता है सर okay, yes, हाँ तो अब आप लोग जो भी मेरे से बात करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है जिस भी टाइप की आप बात करना चाहते हो तो कोई भी बात करना चाहते हो रिगार्डिंग नेटवर्किंग तो वो मेरे से बात कर सकते हो ऐसा नहीं कोई टॉपिक को डिस्कस करो कि एसीएल ये होता है पार्ट ये होता है ना ही तो मैं आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर करवा करवा पाऊंगा है ना लेकिन आप थोड़ा बहुत जो भी मेरे से जानना चाहते हो जान सकते हो जो भी आप बात करना चाहते हो है ना जो भी आपके मन में हो कि हाँ भाई नेटवर्किंग अंदर क्या सिटुएशन होते हैं कैसे मतलब कोई भी चीज जो भी आपके माइंड में चल रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर मेरे को यह जानना था कि जैसे सर ये साइबर सिक्योरिटी में काम आता है नेटवर्क मतलब ये, ये बनाना पड़ता है उसमें

है ना ज्वाइन किए वेबिनार के अंदर तो पंद्रह लोग हमारे पास ही नेटवर्क बना है ना कि तो भाई इतने लोग हैं लेकिन नेटवर्किंग क्या है कि एक मतलब तो सभी लोग आपस में बात कर सकते हैं कि यही नेटवर्किंग है ठीक yes. है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात कर सकता है कोई भी किसी से बात करना चाहता तो बात कर सकते हैं वही नेटवर्किंग है ओके सर मैं सर मैं नॉन टेक हूँ मैंने बी ले रखा है एस वेल से तो कहते जॉब मिलेगी डोंट टेक वालों को नहीं भाई मैं कोई बी कॉम प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन बिल्कुल 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 भाई ये आ, सब सबको मिलेगी जॉब डोंट वरी है ना जो भी आप जहाँ से भी हो जिस भी स्ट्रीम से हो है ना लेकिन जो चीज़ आप करने जा रहे हो सर्टिफिकेशन जो भी आप कर रहे हो उन वो आप अच्छे से करो बस वो मैटर करता ठीक है गाइस ओके सर 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 रिसेशन के टाइम पे भी जॉब मिलेगी

ज्यादा ज्यादा क्या करवाएंगे कोई भी इंस्टीट्यूट कॉलेज हो होगा इंटरव्यू yes. तो हो हो करवा हो, सेट है तभी आप उस चीज को कवर कर पाओगे ओनली फॉर जॉब की मत सोचो आपके पास नॉलेज है तो दस इंटरव्यू भी आपने दिए ना तो दो चार पांच इंटरव्यू आप निकाल दो इतना नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए है ना जॉब आपके आसानी से लग जाएगी

तो जो भी तो सब मिल जाते हैं यस। हेलो हेलो सर। जी हाँ मेरे को कुछ सवाल करना था आपसे बोलो सर मैं बीएससी साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ ठीक है सर तो मैं पहले कोई टेक्निकल फील्ड से नहीं आया था जस्ट बी ए मतलब एसएस में मेरा आर्ट्स था उसके बाद मैं बीएससी साइबर सिक्योरिटी के अंदर चला गया तो मेरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी है उससे करवा रहा है हुँ. तो मेरा बस फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमी चल रहा है तो अभी उतना कोर नेटवर्किंग या फिर कोई साइबर सिक्योरिटी का काम-बामा अभी तो नहीं चल रहा है बस वो डेटाबेस वगैरह करा रहा है तो नेटवर्किंग अगर मेरे को सीखना है तो पहले मतलब किस चीज से शुरुआत करना है कैसे सीखना है ये अगर आप सजेस्ट करते तो अच्छा रहता देखो नेटवर्किंग स्टार्टिंग अप सीसीएनए करो सीसीएनए का सर्टिफिकेशन होता है मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप उस इंस्टीट्यूट में चले जाओ वहां पे चले जाओ वहां पे अच्छी पढ़ाई होती है ये वाला कोर्स खरीद लो सब कुछ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कंटेंट डले हुए हैं है ना उनका जैसा ना मैं खुद पढ़ा सकता हूँ है ना बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स के वीडियोज डले हुए हैं ना टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सब कुछ आपको मिलेगा आपके अंदर है ना आप इंटरेस्ट रखते हो तो सब कुछ आपको इंटरनेट के ऊपर ही मिल जाएगा ओके तो वहां से आप चीजों को पढ़ सकते हो मान लो आप अभी आपको नहीं पता भाई नेटवर्किंग क्या है तो एटलीस्ट आप सर्च करोगे ना बस सिर्फ आपको यह पता है नेटवर्किंग हमें करनी है तो आप सर्च करो वट इज नेटवर्किंग आपने सर्च किया बथेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे आपने सर, फिर आपको कुछ नई चीज जानने को नेटवर्किंग अंदर यह सर्टिफिकेशन होता है सीसीएनए होता है फिर आप सीसीएनए के बारे में पढ़ो सीसीए ने क्या होता है फिर उसके बारे में सीसीए ने कोर्स कंटेंट सर्च करो तो ऐसे चीजें अपने आप पता लग जाएंगी है ना मैं आपको कुछ और बताऊंगा आप करना कुछ और चाहते हो लेकिन मैं अलग कुछ मैं बता रहा हूँ ये चीज़ करो इसका है ना सारी चीजें बढ़िया है जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो भी बढ़िया है लेकिन उसके अंदर बस आपको है ना आ, आपके अंदर स्किल्स लेके आना है जो चीज आप करने जा रहे हो ओके चीजें सारी बढ़िया है सर और एक बात सर हाँ बोलो सर ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर मतलब नेटवर्किंग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी में ही नहीं हर जगह मस्ट है आई में आप आ रहे हो तो हर जगह नेटवर्किंग मस्ट है तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि सर्विसेज कैसे काम करती है नेटवर्क कैसे काम करता है है ना तभी तो आप साइबर सिक्योरिटी करोगे आपको यही नहीं पता आई पीटस क्या होते हैं पब्लिक आईपी क्या है प्राइवेट आईपी क्या है तो कहाँ पे आप नेटवर्किंग कर पाओगे मतलब साइबर सिक्योरिटी कर पाओगे ठीक है यस सर यस सर सर कुछ प्रॉब्लम के बारे में मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन हो पाया हूँ तो मेरे को याद नहीं रहता था, था और मेरा ये नेट ऑफ था तो सर आपके बारे में थोड़ा कुछ जान सकता हूँ क्या सर आप कहाँ से हो देखो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ मेरा नाम दीपक यादव है और मैं अभी क्रो में एज ए नेटवर्किंग ट्रेनर नेटवर्किंग पढ़ाता हूँ पिछले सोलह महीनों से ओके okay. ठीक है ओके okay गाइस चलो बाय बाय टेक केयर मिलते हैं फिर हम कभी है ना थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मोहम्मद कैफ क्या सर और ने ने भाई तुम्हारी तो आवाज <laughs> <laughs> अच्छा लगा सर काफी दिनों बाद आपके साथ एक सेशन लेकर अच्छा तो इस पे तो तो ईमेल पे तो कोई और ही बताता था, नाम का था। दीपक नाम होगा यार देखो नहीं सर जब कर रहा था नो इट्स दीपक के लेवल ओके गाइस यस ओके कर दूं फिर मैं बाय बाय यस सर बाय सर बाय बाय